स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए थे दूसरे चैप्टर में। हम लोगों ने भाग एक कंप्लीट कर लिया है और भाग दो में से एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जो कि 5 नंबर का है। मैंने अच्छे से समझा दिया था। अब इसी तरह से रिलेटेड होगा हमारा बाकी का भी क्वेश्चंस। अगर आप लोग नहीं देखे हो इससे पहले वाला क्लास, तो आप लोग पहले वो वाला क्लास ज़रूर कर लो और उसके बाद इस क्लास में ज़रूर अटेंड करो, देखो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को एग्ज़ाम में तो आएगा ही। रीजनिंग से सिंपल आए, हार्ड आए, कैसा भी आए, आप लोग को मैं सारा क्वेश्चन बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर देखना। अब हम देख लेते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का इसलिए क्योंकि हम लोगों ने 5 वाले क्वेश्चन को डील कर लिया है पिछले क्लासेस में, ठीक है? अब हम देखने वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर एक चित्र बनाया गया है। अब इस चित्र के सेम टू सेम हमें एक चित्र ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से सेम टू सेम जो चित्र इसके तरह निकल जाएगा वो ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो सेम टू सेम इसके जैसा दिखता है। देखिए, ऊपर 2 लाइन है, इधर से 2 लाइन है, इधर 3 लाइन, इधर 3 लाइन, मतलब 2 2 लाइन, 2 3 3 लाइन, ऐसे करके हमारा पिक्चर है। अब हम देखते हैं कि इन चार ऑप्शन में से किस में सेम टू सेम पिक्चर बनाया गया है। जब हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ 4 लाइन बनाया है, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 3, तो हमारा ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है कि ए नंबर हमारा डिफरेंट है यानी रॉन्ग है, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो बी नंबर में हमारा दे दिया है 4 लाइन्स, 2 लाइन, तो बिल्कुल डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन 2 लाइन इधर है और यहाँ पर 3 लाइन 3 लाइन है, तो ये बी नंबर हमारा हो गया, अब बी नंबर हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि बी नंबर अलग है पिक्चर। हमें ढूंढना क्या है, सेम होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं सी नंबर। जब हम लोग देख रहे हैं तो सी नंबर में सेम टू सेम पिक्चर है। क्यों है भाई? क्योंकि जब यहाँ पे पिक्चर क्वेश्चन पिक्चर है जो हमारा 2 लाइन 2 लाइन यहाँ भी है और आंसर पिक्चर में भी 2 लाइन 2 लाइन यहाँ भी है, 3 लाइन 3 लाइन इधर है और सी वाले में 3 लाइन 3 लाइन इधर है, आंसर इसलिए हमारा हो गया सी नंबर, ठीक है? बाकी अब हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आंसर मिल गया है, बस हमें फोकस करना आंसर पे। आंसर ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था या डी भी। अगर ए नंबर ही हमारा सेम टू सेम निकल जाता तो हम लोग को बाकी का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आंसर एक ही होता है, ठीक है? 2 सेम आंसर नहीं देता है कभी, इसलिए जब हम देख ले रहे हैं कि एक हमें आंसर मिल गया तो बाकी ऑप्शंस को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि 6 नंबर का क्वेश्चन पिक्चर से मैच हो रहा है सी नंबर का पिक्चर, इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7 नंबर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन में पिक्चर, आप लोग देखो क्वेश्चन पिक्चर कैसा बनाया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पिक्चर है। जब हम और हमें सेम टू सेम इसके जैसा इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। तो जब हम 1 नंबर का देख रहे हैं ए नंबर में 2 एरो है, सेम टू सेम है। जब ये लाइन है सेम टू सेम है, यहाँ पे एक लाइन है और इसमें 2 सर्कल्स बनाया गया। लेकिन जब हम 8 नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं तो 2 सर्कल नहीं बनाया गया, सिर्फ 1 लाइन बनाया गया, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाले ऑप्शन में जब हम लोग देख रहे हैं पिक्चर को तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है कि डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई? क्योंकि इसमें तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया लंबा सा और यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे तो एक छोटू सा लाइन दिया गया और ये जो ट्रायंगल बहुत लंबा बना दिया गया, लेकिन इसमें छोटा ट्रायंगल है ना, इसलिए ये पिक्चर हमारा हमको बस देख के ही पता लग रहा है कि नहीं होगा आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले पिक्चर पे। तो आगे वाले पिक्चर पे जब हम बढ़ते तो पहले हम स्टार्ट करते ऊपर से, तो 2 एरो सेम टू सेम है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक लाइन, तो लाइन भी सेम टू सेम है। जब इस वाले लाइन को देख रहे हैं तो इस वाले लाइन में भी सेम टू सेम है, क्योंकि 2 सर्कल इसमें भी और इसमें भी है और ये वाला ट्रायंगल भी सेम टू सेम है और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में भी सिमिलैरिटीज है, मतलब कि आंसर हमारा हो गया सी नंबर। हो गया ना सी नंबर हमारा आंसर? तो हमें अब सी नंबर आंसर मिल गया है 7 नंबर क्वेश्चन का, तो हमें आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर हमें मिल गया और एक आंसर नहीं हो सकता है ना।
तो अब हम लोगों ने देख लिया कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देख ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया, सॉरी 6 नंबर हम लोगों ने देख लिया था, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 8 नंबर। ठीक है, अब हम 8 क्वेश्चन नंबर को से डील करेंगे। जब हम लेफ्ट साइड वाला यानी बाईं ओर वाला चित्र को देख रहे हैं तो किस तरीके से चित्र बनाया गया, पहले हम एक चीज़ नोट कर लेना है कि जो एरो दिया गया है वो अंदर की ओर सारा है, मतलब ये जो अंदर की ओर है। बस हमें इस चित्र को मन में ध्यान में लेके देखना है, 4 ऑप्शन में से जो हमारा सेम टू सेम निकलेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जब हम देख रहे हैं ए नंबर ऑप्शन, जब ए नंबर का ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों ने देखा एरो तो डिफरेंट हो गया, क्यों हो गया डिफरेंट, ये अंदर से ये अंदर से ये अंदर से, लेकिन ये तो बाहर से है ना, बाहर से खुल कहाँ से रहा, ये बाहर से, तो ए नंबर हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए ए नंबर को हम लोग क्रॉस कर दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले ऑप्शन में, बी नंबर वाले ऑप्शन पे। तो जब हम बी नंबर वाले ऑप्शन पे देख रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है, नहीं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं ये बाहर से खुल रहा है, ये अंदर से, तीन अंदर से है लेकिन फिर ये बाहर से खुल रहा है ये एरो, तो ये हमारा हो गया डिफरेंट। अब हम आते हैं सी नंबर में, सी नंबर में हम लोग देख रहे हैं तो ये अंदर से है, ये अंदर से, ये बाहर से, ये बाहर से, इसमें 2 अंदर से 2 बाहर से खुल रहा है एरो, इसलिए ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग कर देंगे क्रॉस। अब हम 12 बचा डी नंबर जो कि लास्ट है, तो जब हम लास्ट देख रहे हैं तो सेम टू सेम मैच हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम मैच हो रहा है इस पिक्चर से ये पिक्चर, आप लोग एक बार सिमिलैरिटीज़ देख लो कि क्यों मैच हो रहा है, क्योंकि जब हम एरो देख रहे हैं, डिज़ाइन देख लो बस एरो का, सेम टू सेम इसकी तरह है, इसलिए हमारा ये मैच हो रहा है, ये हमारा डी नंबर हो गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट भाग 2, बहुत ही इजी और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो इस वीडियो से तो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग अपने कॉपीज़ में पिक्चर को ड्रॉ करो और प्रैक्टिकली खुद से बना के देखो अगर आपको इस वीडियो से नहीं समझ आ रहा हो तो, वरना मैं तो हूँ ही, मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम आ जाएंगे अब भाग 3 में। ठीक है, चलो ये देखिए अब हम आ गए हैं भाग 3 वाले क्वेश्चन में। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 12 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। जैसे कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि क्या हमें पूछा गया था, एक भाग हमारा गायब था, अब हमें पेंटिंग हमें दे दिया गया है उसमें से एक भाग हमारा गायब है, तो हमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से जो पेंटिंग उसमें फिट बैठ रहा है हमें बस उस पेंटिंग को इसमें लगा देना, यानी चुन लेना है 4 ऑप्शन में से जो सेम टू सेम बाकी से मिलता जुलता है। तो जब हम देख रहे हैं 4 फर्स्ट पिक्चर हम लोग देखते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा है पिक्चर, राइट साइड में हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जब हम पिक्चर को देख रहे हैं तो इस तरह से पिक्चर बनाया गया है, तो जब इस तरह से बनाया गया तो ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी हमें क्या चाहिए, एक सर्कल बनना चाहिए, इस तरह से हमें आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से इस तरह से पिक्चर बनाया गया है या नहीं। जब हम ए नंबर देख रहे हैं तो ए नंबर में आपको क्या दिख रहा है, ए नंबर में यहाँ स्क्वायर बना के दिखाया हुआ है, तो हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सर्कल का एक भाग चाहिए, तो ए नंबर हमारा ऐसे ही हो गया डिफरेंट, तो हम कर देंगे इसको क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे। जब हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्कल के लिए सही दिया गया है, उसके बाद हमें ब्लैक कलर का ये चाहिए लाइन, लेकिन इसमें क्या वाइट कलर का लाइन दे दिया, इसलिए हमारा ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना क्यों डिफरेंट हो जाएगा, सर्कल तो है, चलो मैं मान रही हूँ सर्कल दिया गया, लेकिन
फिर हमें क्या चाहिए था, ब्लैक कलर का लाइन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, व्हाइट कलर का लाइन दे दिया गया है, इसलिए बी नंबर हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब हम सी नंबर को देख लेते हैं, तो सी नंबर में हम लोग को दिख रहा होगा कि सर्कल तो दिया गया और ब्लैक लाइन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद व्हाइट लाइन भी तो दिया गया है ना, व्हाइट कलर का ब्लैंक छोड़ा गया, तो इसमें व्हाइट कलर का ब्लैंक तो दिख नहीं रहा, क्या ग्रे कलर का दिख रहा है, तो हमें क्या चाहिए, व्हाइट कलर का लाइन चाहिए, इसीलिए हमारा सी नंबर भी हो जाएगा रॉन्ग, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। अब हम देखते हैं डी नंबर, तो डी नंबर में सर्कल चाहिए मिल रहा है, ब्लैक कलर का लाइन चाहिए था मिल रहा है, और बाहर आउटलाइन चाहिए था व्हाइट कलर का, तो वो भी मिल रहा है, तो आंसर हमारा इसलिए हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, आंसर इसलिए हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वही मैं बोलूँगी कि आप लोग फिर से, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग फिर ये कॉपी या फिर बुक सॉरी कॉपीज़ या पेजेस में आप लोग ऐसे करके ड्रॉ करो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बहुत क्लियरली आपको दिखा दिया है, आप लोग खुद से ड्रॉ करो प्रैक्टिकली और फिर देखो कि कौन सा पिक्चर आपका सही बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसा पिक्चर दिया गया है उसी से रिलेटेड ही ना होगा हमारा थर्ड वाला पार्ट भी, थर्ड वाले में तो हम कुछ और नए डिज़ाइन डाल देंगे, जैसा है वैसे ही डालेंगे ना, इसलिए हमने इस तरीके से डाला और आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग देख सकते हो 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन में इस तरह से पिक्चर बनाया गया और इसका एक भाग, एक डिज़ाइन का पेपर वो गायब हो गया। अब हमें चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा पार्ट हमारा आंसर हो सकता है, तो ये बहुत ही ईजी आपको दिख रहा होगा, आप इजली इसको ढूंढ लोगे कि कौन सा आपका आंसर होगा इस पिक्चर का। तो लेफ्ट साइड में ये पिक्चर हमारा दिख रहा है और चार ऑप्शन हमें राइट साइड में दिए कि अब चार ऑप्शन में से हमें चुनना है कि कौन सा जो पार्ट है वो इसमें फिट बैठेगा। तो जब हम देखेंगे बना के, तो ऐसे करके ये वाला ऐसे करके आएगा और फिर ऐसे करके आएगा ना, तो मैंने पिक्चर यहाँ पे रॉन्ग बना दिया तो उसके लिए सॉरी। और फिर ये हमारा मान लीजिए ब्लैंक ही है, तो जब हम देखेंगे कि पिक्चर हमारा चारों में से कौन सा होगा, आप लोग को बस ये वाला ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि पिक्चर हमारा होगा ए नंबर, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा ए नंबर, क्यों, क्योंकि जो लाइनिंग है ए नंबर ही मैच कर रहा है इन बाकी सब लाइनिंगों से, है ना, इसलिए यही डिज़ाइन मैच कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ए चुना, क्योंकि जब हम बाकी का ऑप्शन देख रहे हैं बी सी या फिर डी, तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट है, कि जब हम बी नंबर का पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें तो सही है, लेकिन फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसलिए बी नंबर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जब हम सी नंबर देख रहे हैं तो इसमें भी यहाँ से एक लाइन और होना चाहिए, बस ये छोड़ दिया है वरना सही होता, इसलिए सी नंबर हमारा रॉन्ग। और डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है भाई, क्योंकि ये तो पूरा डिज़ाइन ही अलग बना दिया गया है ना, इसलिए हमारा आंसर है सी नंबर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देख सकते हो आप लोग अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, है ना, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में हमारा जो पिक्चर बना है, एक एरो इधर से आया है, एक एरो इधर से आया, एक एरो इधर से, तो फोर्थ एरो किधर से होना चाहिए, इधर से होना चाहिए ना, मतलब ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चार ऑप्शन में से देखते हैं कि वैसा एरो हमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। जब हम ए नंबर देख रहे हैं तो एरो इस तरफ है, तो इस तरफ एरो तो नहीं होगा, होगा क्या, इस तरफ से एरो होना चाहिए, ठीक है, तो ए नंबर हमारा हो गया रॉन्ग, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शन पे, तो बी वाले ऑप्शन पे स्ट्रेट एरो है, मतलब सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इस तरफ से एरो जाना चाहिए, इसलिए बी नंबर भी हमारा हो गया रॉन्ग, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सी नंबर में हमें दिया गया है राइट साइड में हमारा एरो जा रहा है, लेकिन हमें कैसा एरो चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए, वो भी टेढ़ा, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। जब हम डी नंबर देख रहे हैं तो सेम हमें जैसा चाहिए था वैसा एरो हमें मिल रहा है, तो इसलिए हमारा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा सही, क्योंकि हमें
ऐसा ही एरो चाहिए था इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, या फिर बोलो तो इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 11 नंबर का ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 12 नंबर। तो 12 नंबर हम जब देख रहे हैं तो हमें 12 नंबर में भी जो फोर्थ पार्ट है वो सेम मिलता जुलता इन तीनों पार्ट के ही होना चाहिए, यानी कि ऐसे करके और ऐसे डिज़ाइन, और नीचे की ओर लाइनिंग और बाकी अंदर की ओर ब्लैक कलर का पूरा होना चाहिए डिज़ाइन, ठीक है। तो जब हम लोग देख रहे हैं तो इस तरह से दिया गया, तो इस तरह से तो नहीं चाहिए हमें। ए नंबर ऑप्शन जब हम देख रहे हैं तो हमें किस तरह से पिक्चर दे दिया गया, इस तरह से दे गया है, देखिए हमें चाहिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पूरा होना चाहिए और यहाँ पे लाइनिंग, लेकिन ऑप्शन ए में क्या कर दिया गया, इस तरफ से दे दिया गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बी नंबर को, ए नंबर को हम लोग कर देते हैं क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले पिक्चर पे। जब हम आगे वाले पिक्चर पे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं हमें इस तरफ से बनाया गया है, और हमें किस तरफ से चाहिए, इस तरफ से चाहिए, है ना। तो बी नंबर भी हमारा क्रॉस हो जाएगा, हम कर देंगे क्रॉस, क्योंकि बी नंबर हमारा रॉन्ग है, इसमें सूट नहीं कर रहा है इस पिक्चर से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर पे, जो कि सी नंबर। जब हम सी नंबर वाला पिक्चर देख रहे हैं तो सी नंबर वाले पिक्चर में लाइनिंग नीचे की ओर है, तो हमें भी लाइनिंग नीचे की ओर ही चाहिए था, और ब्लैक डिज़ाइन ऊपर की ओर है तो हमें ब्लैक डिज़ाइन भी ऊपर की ओर चाहिए था। यानी कि कुल मिला के हमारा जो सी नंबर का पिक्चर है वो हमें जैसा चाहिए था वैसा मिला। तो 12 नंबर का हमारा आंसर हो गया सी नंबर। क्यों हो गया 12 नंबर का आंसर सी नंबर, क्योंकि हमें सेम टू सेम ऐसा ही पिक्चर चाहिए था और हमें वैसा ही पिक्चर मिल गया है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 12 नंबर का डी नंबर। अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस ज़रूर करना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। और फिर मैंने तो समझा दिया अच्छे से, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाग तीन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग देखो मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन आपको टोटल दिखा दे रही हूँ। भाग वन का क्वेश्चन ये हमारा हो गया, भाग वन का सारा क्वेश्चन, जो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है कि आप खुद से बनाओ और बताओ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा भाग टू का क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा भाग टू का सारा क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग खुद से पेज में कॉपीज़ में बना के देख सकते हो पिक्चर, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लोग को हो सकता है और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर ये रहा हमारा भाग थ्री का क्वेश्चन, जो कि अभी हमने डील किया भाग थ्री के क्वेश्चंस के साथ। ये था हमारा फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पिक्चर। ये है हमारा सेकंड पिक्चर, जो कि लेफ्ट साइड में वो हमारा पेंटिंग दिया गया, यानी कि क्वेश्चन पिक्चर है। और चौथा भाग गायब था, तो हमें इन चार ऑप्शन में से ढूंढना था। तो हम लोगों ने भाग तीन तक कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में भाग चार से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।